उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने रेलवे में जी ग्रुप के ऑनलाइन एग्जाम में नकल का पर्दाफाश किया है। मेरठ के एफटीआई कॉलेज में छापेमारी के दौरान नकल कराने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का एक सदस्य रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया कि इस गिरोह ने मोटी रकम लेकर एग्जाम का पेपर हल करने का ठेका लिया था। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्य असली उम्मीदवार की जगह एग्जाम देने के लिए फेविकॉल की मदद से फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया। एक सर्वर पकड़ा गया है, उसके अतिरिक्त 3 व्यक्ति हम लोगों ने वो गिरफ्तार किए हैं जो कैंडिडेट्स को इन लोगों तक लेकर आते थे। साउथ वेस्ट दिल्ली के डाबरी इलाके के एक मकान की तीसरी मंजिल की बालकनी पर पुलिस की मौजूदगी में खुदाई कराई गई। पुलिस को वहां से एक नर कंकाल बरामद हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये कंकाल कुछ साल पहले उस मकान में किराए पर रहने वाले एक लड़के का है जिसकी हत्या का शक उसके मामा पर जताया गया, जो अभी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मजदूरों के बताने पर 3rd फ्लोर की बालकनी से लड़के का कंकाल बरामद कर लिया। ये स्केलेटन 2 साल पहले मकान के 3rd फ्लोर पर अपने मामा के साथ रहने वाले भांजे का बताया जा रहा है। कंकाल मिलने का पता उस वक्त चला जब मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले एक किरायेदार 20 दिन पहले मकान की तीसरी मंजिल पर रहने आए, लेकिन इससे पहले उन्होंने मकान मालिक से बालकनी में ग्रिल लगवाने की गुजारिश की, जिसके बाद बालकनी में ग्रिल लगाने के दौरान मजदूरों को खुदाई करते वक्त वहां से हड्डियां मिलनी शुरू हुई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को दी और फिर पुलिस की मौजूदगी में वहां से एक स्केलेटन बरामद किया गया। किसी को इस बात की भनक न लगे इसके लिए बॉडी को बालकनी में दफनाने के बाद उसके ऊपर पौधे लगा दिए गए थे। लेफ्ट में जो दीवार पे आप देख रहे हैं जो निशान बने हुए हैं मिट्टी के, यहाँ पर करीबन 1.5 फीट तक जो है मिट्टी में एक शव को एक मामा ने गड़ा कर रखा था। मकान मालिक ने दावा किया कि फरार चल रहे मामा ने अपने भांजे के अचानक लापता होने की बात उन्हें बताई थी, जिसके बाद मामा ने अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मामा भी अचानक लापता हो गया। इसके बाद कई किरायेदार मकान के 3rd फ्लोर पर रह रहे थे, लेकिन किसी भी किरायेदार को बालकनी में बॉडी के गड़े होने की भनक नहीं लगी। इसने कहा जी मेरा भांजा था, रात को घूमने गया था, रात को 12 बजे निकला था और वो गुम हो गया, तो हमने कहा ठीक है भाई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करो। इतना ही नहीं, मकान से स्केलेटन मिलने के बाद पड़ोसी भी ये जानकर भौचक्के रह गए। हम भी सन्न रह गए कि हमारे होते हुए भी एक छज्जा से छज्जा हमारी लगी हुई है और हमको इस चीज का आभार नहीं हुआ, तो ये हमको भी ज्यादातर की डराने वाला है। दावा किया जा रहा है कि बॉडी को गाड़ने के बाद उसके ऊपर नमक डाल दिया गया था, जिसकी वजह से शव जल्दी से गल गया और उसकी बदबू भी नहीं आई। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को तफ्तीश के दौरान नमक की कई बोरियां और कपड़े भी मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया और स्केलेटन को डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। जो मृतक है वो उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है, जो डेड बॉडी है कंकाल है उसे डीएनए के लिए भेज दिया गया है, परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई है। न्यूज 18 से बातचीत में मारे गए लड़के की मां ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और बेटे को याद कर भावुक हो गई। कोई कुछ करता मेरा बेटा तो नहीं आएगा, बेटा तो नहीं मिलेगा ना, बोल के क्या फायदा है, नहीं बोल के क्या फायदा। हालांकि पुलिस ने लड़के का कंकाल मिलने के बाद फरार चल रहे मामा को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी, साथ ही कई राज्यों की पुलिस से भी दिल्ली पुलिस मदद ले रही है। दिल्ली के भारत नगर इलाके में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अनुराग नाम के लड़के की दोस्त की पिस्तौल से गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जब उसका दोस्त साहिल शव को लेकर उसके घर पहुंचा तो अनुराग के छोटे भाई ने साहिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल साहिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।